Thank you.
हाँ सारी विधवाएं औरतें हैं तो जाहिर है वो लोग सफेद कपड़े ही पहनते हैं तो उनको रंग बिरंगे कपड़े तो दे नहीं सकते। तो आज के सीन की बात की जाए तो क्या सीन चल रहा है? आज का सीन बड़ा ही दिलचस्प है यार। जैसे ही विप्लव आश्रम में घुसता है उसे खटमले खटमल और कीड़े और कॉकरोच और छिपकलियां दिखते हैं तो उसे बड़ा डर लगता है। तो पेस्ट कंट्रोल कराने के लिए इन सब औरतों को अपने आश्रम से बाहर निकाल देता है तो आप रियल लाइफ में भी डरते हैं कॉकरोच वगैरह से? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, आप जिस तरह से आप विधवा महिलाओं को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो रियल लाइफ में आप कितना सपोर्ट करते हैं, कितना मदद करते हैं अनाथ अगर बच्चों जरूरत का? पड़ी और मौका मिले तो क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। आगे शो में क्या ट्विस्ट आएगा आएगा उसके लिए आपसे 1 करोड़ लूंगा मैं। कुछ सर सस्पेंस वगैरह, कुछ सीक्वेंस हाँ उसके वगैरह लिए ही आपसे 1 करोड़ रुपए लूंगा मैं। बता रहे? थैंक यू सर। अभी क्या सीन चल रहा है? सीन ऐसा चल रहा है कि हम आश्रम में रहे ही नहीं है। हमें तो विप्लव महान, मेरा क्या राक्षस है जो, वो हमें होटल में ले गया, लेकर आया है। और मैं इतनी अनकंफर्टेबल हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करूँ। मैं तो मस्त रूम के बाहर खड़ी हो गई, मुझे जाने ही नहीं है। फिर हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है एज यूजुअल। मैं हमेशा धानी हमेशा रेडी रहती है आर्ग्यू करने को, तो उसी के ऊपर चल रहा है। अच्छा, विप्लव ने कैसे मनाया? जिस तरह से हमने देखा सीन में कि आप दरवाजे के बाहर खड़े थे, कैसे जी, अंदर गए उसके बारे में बताएंगे? मैं मानती नहीं हूँ। मैं उससे वो बहस करता है तो मैं वो शेर तो मैं सवा शेर हूँ, वो बहस करेगा तो मैं और बोलूंगी। तो लास्ट तक मैं नहीं मानती, मैं उसे घूरती रहती हूँ, खुद ही चला जाता है हार मान के। अच्छा, सीन में कुछ कॉकरोच का सीन था, विप्लव ने बोला कि वो उसके बारे में बताएंगे क्या है वो? कॉकरोच का सीन था, बहुत इंटरेस्टिंग था वो, क्योंकि मुझे नहीं डर लगता टू बी ऑनेस्ट कॉकरोच से, तो मैंने पकड़ लिया असली कॉकरोच था वो। बट कहीं ना कहीं शायद मिशाल भी डरता है, विप्लव नहीं, विप्लव तो डरता ही है, मिशाल भी नहीं डरता है, तो मैंने फेंक दिया था सच में उसके ऊपर। वो भी काफी इंटरेस्टिंग था, हमने जो शूट किया था बहुत एंजॉय किया था। अच्छा, गाने की रियल लाइफ में किससे डरती ज्यादा था? कॉकरोच से डरती है? मैं नहीं, मैं सिर्फ छिपकली से डरती हूँ। मुझे सिर्फ छिपकली से डर लगता है, बहुत ज्यादा हद पर डर लगता है कि अगर इस रूम में होगी तो मैं जब भोपाल में घर में होती थी पहले अपने मेट को भेजती थी कि तुम देख कर आओ छिपकली तो नहीं है, फिर मैं अंदर जाती थी। मुझे पता होता था नहीं है, स्टिल मैं सिर्फ छिपकली से डरती हूँ। अच्छा, अपने रोल को किस तरह से एंजॉय कर रही हूँ? मैं धानी को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ऑब्वियसली अब मैं धानी बन ही चुकी हूँ, मैं इतना टाइम से शूट कर रही हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, बट अब मैं जान चुकी हूँ धानी क्या करेगी इस मोमेंट पे, कैसे रिएक्ट करेगी, धानी क्या है। तो कहीं ना कहीं मैं ईशा भी हूँ, कहीं ना कहीं धानी भी हूँ, तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपने रोल को, शो को। मुझे फैन से कुछ कहना चाहेंगे अभी? फैन से यही कहना चाहूंगी, मुझे सपोर्ट करते रहिए, बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो बस वही प्यार देते रहिए। थैंक यू। अच्छा, गाने का गणपति विसर्जन है तो कुछ बताएंगे क्या, किस तरह से करने वाली है, या शूट पे ही रहेंगे आप? मैं तो शूट पे ही रहूंगी। मैं भोपाल में जब थी तो हमारे यहाँ गणेश जी बैठते थे, तब मैं बहुत एंजॉय, मैं डांस वांस भी करती थी मैं ढोल पे, ऑल्दो मैं डांस नहीं कर पाती हूँ, बट मैं मस्त कूदती थी, झड़कती थी। तो यहाँ तो कुछ नहीं, शूट कर रहे हैं, पहली बार गणेश उत्सव मतलब विसर्जन मैं देखूंगी मुंबई का, वो भी शूटिंग पर रहूंगी, देख भी नहीं पाऊंगी। थैंक यू। थैंक यू।